आजमगढ़ 4 सितंबर 2020 जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रभारी विश्व विजय सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मई माह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि कोविड-19 के चलते हैंडलूम एवं बुनकरों के कारखाने बंद पड़े हैं, उनके ऊपर बैंकों का भारी कर्ज है, बिजली का बिल भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, इस कारण बुनकरों का बिजली का बिल माफ हो और बुनकरों के परिवार को 12,000 रुपए प्रतिमाह क्षतिपूर्ति दिया जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू विधायक ने नियम 51 के तहत बुनकरों की समस्याओं को उठाया व सड़क पर संघर्ष करने की मांग की थी। बुनकरों के विद्युत बिल किसानों की भांति फिक्स की जाए, प्रति लूम पूर्व की भांति विद्युत बिल न्यूनतम निर्धारित की जाए, करघा इकाइयों को अपग्रेड किया जाए, बुनकरों की बेहतरी के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए। ये सरकार ने साझा संघर्ष में कुछ मांगों को स्वीकार किया। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने प्रेस से कहा कि कांग्रेस बुनकरों के हर मुद्दे पर संघर्ष के लिए कटिबद्ध है। बुनकर नेता इकबाल अहमद ने कहा कि कांग्रेस के संघर्ष का परिणाम रहा कि सरकार ने बुनकर समाज की कुछ मांगे स्वीकार कर ली। बुनकर समाज प्रियंका गांधी जी का एवं कांग्रेस का आभार व्यक्त करता है और आशा करता है कि बाकी मांगों को पूरा करने के लिए कांग्रेस बुनकर समाज के लिए संघर्ष करेगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से बिलाल अहमद, तेज बहादुर यादव, ओंकार पांडे, मकबूल अहमद, हिदायत अली, जमालुद्दीन आदि बुनकर नेता उपस्थित रहे। आजमगढ़ से आज की चाल लाइव न्यूज के लिए अमित खैरवार की रिपोर्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस व्यवस्था को किया था, तो हम ये जानते हैं कि कुटीर उद्योगों को बिना प्रोत्साहन दिए, कुटीर उद्योगों को बिना डेवलप किए हम अच्छे रोजगार की बात नहीं कर सकते, और इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बात को करती है। और बहुत दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सभी उद्योगों को बर्बाद करने पर लगी हुई है, लेकिन संतोष इस बात का है कि जो हमारी साझा लड़ाई है बुनकर समाज के साथ, हमारे नेताओं के खिलाफ मुकदमे हुए, हम सदन के अंदर लड़े, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इसे मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके जताया, ट्वीट किया, उनके पक्ष में समय समय पर आवाज़ उठाती रही, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज सरकार हमारी बात सुनने के लिए विवश है, बुनकर समाज की बात सुनने के लिए विवश है, और तमाम सारे मामले में उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम अगले 15 दिन में बुनकर समाज की समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों की चेतावनी है उनको कि आप बुनकरों की बात को, जो अच्छरसा जो उनकी मांग है उसको लागू करिए, उसको स्वीकार करिए, वरना कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक इस बात को लेकर के लड़ेगी।